ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर तहकीकात हकीकत। पत्रकारों के उत्पीड़न के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा। सहारनपुर जनपद के देवबंद क्षेत्र में बलिया जिले में पत्रकार को पेपर लीक होने के मामले में साजिशन फंसाने और 3 पत्रकारों को जेल भेजने के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रशांत त्यागी तहसील अध्यक्ष ने अगुवाई में महामहिम राज्यपाल के नाम देवबंद SDM दीपक कुमार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने व मान्यता नियमावली में संशोधन कराने तथा पत्रकार हितों की रक्षा के लिए अन्य मांग की गई है। इस मौके पर मदीप शर्मा, गोविंद राम शर्मा, राजकुमार जाटव, मोनु कश्यप, हिमांशु, अंकित जैन, दीपक शर्मा सहित दर्जनों पत्रकार मौजूद रहे। ये जो ज्ञापन दिया गया है, जो बलिया में हमारे पत्रकार साथी हैं उनके खिलाफ एक तथाकथित मुकदमा जो लिखा गया है फर्जी, उसके विरोध में हम यहाँ आए थे। हमने यहाँ ज्ञापन दिया है और हमारी मांग यह है प्रशासन से और शासन से कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर जो हमारे पत्रकार साथी हैं निर्दोष, उन्हें छोड़ा जाए और तत्काल जो भी इसमें बलिया के DM हैं और जो वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, विभागीय भी कार्रवाई की जाए और मुकदमा उनके खिलाफ लिखा जाए। क्योंकि जिस प्रकार से बलिया पूरे उत्तर प्रदेश में एक शिक्षा माफिया के नाम से प्रसिद्ध डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, तो हमारे जो पत्रकार साथी हैं उन्होंने वहाँ कमर तोड़ने का उनका काम किया था, लेकिन उससे जो बौखलाकर अधिकारियों ने जिस प्रकार उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया, जेल भेजे गए, वह सरासर गलत है और संविधान के जो चौथा स्तंभ है उसकी हत्या है। तो हमारी यही मांग है कि इस मामले की जांच निष्पक्ष हो। पत्रकार साथियों, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं 1980 का पत्रकार हूँ। जब बलिया का जो DM है शायद पता भी नहीं होगा, हो तब का मैं जब का पत्रकार हूँ और जो वो मामला कर रहा है ना, वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पत्रकारों को बहुत ही कम उसमें तोल रहा है, वो बिल्कुल ना तोल ले वरना हम ईंट से ईंट बजा देंगे। ऐसे DM आएंगे चले जाएंगे। पत्रकार कभी पूर्ण होता है? पत्रकार हमेशा पत्रकार रहेगा। DM हो जाएगा, पूर्ण जिलाधिकारी हो जाएगा, पत्रकार नहीं रहेगा। और अगर उन्होंने हमारे पत्रकार साथियों को नहीं छोड़ा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, ये हमारा वादा है। जो कहेंगे उसे हम कर देंगे और धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ टाइम देते हैं 8 दिन का, 8 दिन के अंदर अंदर अगर उन जो जिन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई ना, उनके खिलाफ उल्टी कार्रवाई ना हुई तो मामला बहुत उल्टा हो जाएगा। ये और अनशन में बैठ देंगे, यही हम जहाँ से बोल रहे हैं।